दुनिया के सबसे लंबी डोमेस्टिक फ्लाइट में स्वागत करता हूँ। आज मैं फ्लाइट ले रहा हूँ मॉस्को से भाई काम छात्रा का छोटा सा एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ अपने छोटे डिब्बे के साथ, लेकिन मेरे पीछे लिखा हुआ है वेलकम टू कामछात्का। कामछात्का में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ मुर्मंस के एयरपोर्ट पर। सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर दिया इन लोगों ने यार, यहाँ पे चेक इन बैग के नाम पे लूट लेते हैं। जो मैंने टिकट करवाई थी यहाँ से कामछात्का की, उसमें मेरा चेक इन बैग था। तो मैंने काफ़ी फ्लाई किया भाई, पहली बार थोड़ी फ्लाई कर रहा हूँ। तो बोलते हैं भाई नहीं, हमारी ऐसी पॉलिसी है कि आप दो बैग लेके नहीं जा सकते। तो भाई एक ये मैंने बैग ये करवा दिया था, और एक ये मैंने जैकेट वगैरह जो था, क्योंकि मुझे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इसमें डाल दिया था। बोलते हैं कि दो बैग लेके नहीं जा सकते तुम, एक ही बैग लेके जा सकते हो। एक काम करो ना, तुम दोनों बैग को साथ में लगा दो और फिर एक बैग लेके जाओ। मैंने कहा ये कहीं तो लिखा हुआ था ही नहीं, आपने लिख रखा है 23 किलोग्राम में बोल रहे हो कि आप दोनों बैग लेके नहीं जा सकते। ये आपने कहीं लिख भी नहीं रखा, कहीं लिखा तो होता। आधे घंटे झगड़े होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को अंग्रेजी आ नहीं रही थी, ट्रांसलेट से झगड़ा हो रहा, वो पता नहीं सही से। ट्राई किया मैंने बहुत कुछ बोलने का, मैं किसी को काउंटर पे एकदम चढ़ गया मैं कि जब तक मेरा नहीं हुआ तब तक जाने नहीं देंगे। अब वो लोग समझ नहीं लगा, मैंने लगा ठीक है दया आ गई, हटाओ अब क्या कर सकते हैं। ये इनकी भी उतनी गलती नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ एरोफ्लाइट की बहुत गलती है। ये कौन कौन सा रूल बना के रखा है, एक बैग लेके जा सकते हो भाई, एक बैग लेके जा सकते हो ठीक है, लेकिन अगर इसमें रैप करवा सकते हो तो आप दोनों का दोनों बैग लेके जा सकते हो। मुझे लग रहा है एरोफ्लाइट और ये पैक एंड फ्लाई वाले का साथ घाट है, पैसे बना रहे हैं साले। कोई नहीं, फिर से लगाना पड़ेगा यार, इतने इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ रैप करवाने में। चलो भाई इसको बोलूँगा थोड़ा सा कर देने के लिए। वो भाई सब तरह के पल्ले वल के पैसे मांग रहे थे, तो मैं चलो हटाओ लेके जाता हूँ, हाथ में लेके जाना पड़ेगा इसको। क्यों पैसे दें यार, इन एयरलाइन के चक्कर में के पॉलिसी में परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। कुछ भी रूल बना देते हैं। अब चलो साइज का रूल होता है भाई, ये दो बैग लेके नहीं जा सकते, कहीं नहीं लिखा हुआ एयरलाइन वेबसाइट पर भाई दो बैग लेके नहीं जा सकते। चलो ठीक है देखता हूँ मैं अब। तो भाई मुझसे गलती ना हो सकता है, मैंने अपना फ़ोन पता है इमिग्रेशन ने जो देखने वाले होते हैं वहीं पे छोड़ दिया था। उसके बाद मैं ये भाई साहब मुझे अकेले लेके जा रहे हैं प्लेन तक, ये रशिया एयरलाइन। मुझे लगा एरोफ्लाइट होगी बट ये रशिया ही है, रशिया एयरलाइन। एरोफ्लाइट का मतलब सब्सिडरी एयरलाइन है काइंड ऑफ, वही ऑपरेट करती है, हालांकि काफ़ी लंबी लाइन है, सबसे लेट ही जाऊँगा। ये मुर्मंस का एयरपोर्ट ठीक ठाक ही मुर्मंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के सबसे लंबी डोमेस्टिक फ्लाइट में स्वागत करता हूँ। आज मैं फ्लाइट ले रहा हूँ मॉस्को से, मॉस्को में आ गया था सुबह सुबह ही, मुर्मंस से मॉस्को की मैंने फ़्लाइट ली थी। हालांकि मैं अपने गेट के पास पहुँचा कि आपसे बात करता हूँ, काफ़ी लेट हूँ, मेरा गेट क्लोज होने वाला है 3 मिनट में, तो मैं दौड़ रहा हूँ काफ़ी देर से फटाफट। पूरी वारदात समझाता हूँ क्या हुआ, टैक्सी वाले के साथ बहस वगैरह हुई, फिर ये हो गया वो हो गया, लेट हो गया थोड़ा भाई, नॉर्मल है मेरा लेट होना, नॉर्मल सा हो गया। 114 है मेरा बोर्डिंग गेट नंबर, खोजना पड़ेगा। ये है मॉस्को का टर्मिनल जिसका मेन एयरपोर्ट है, 114 है कामछात्का के लिए, हाँ 114 है, फाइनल कॉल बोल रहे हैं भाई सब। ये रहा मेरे सामने 114। तो भाई मैं रेड तैयार हूँ आज दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट लेने के लिए, तो कहीं चल के बैठ के बात करूँगा कि ये कौन सी फ़्लाइट है पहले, और मैंने कितने में ये फ़्लाइट बुक की, कहाँ से फ़्लाइट बुक की। पहले अपने गेट के पास पहुँच जाता हूँ क्योंकि मेरा फाइनल चल रहा है अभी, फाइनल कॉल। तो भाई गेट के पास बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, कन्फर्म तो हो गया कि फ़्लाइट अब छूटेगी नहीं, कम से कम एटलीस्ट फ़्लाइट छूटेगी नहीं, मुझे लगा था फ़्लाइट छूट जाएगी, इतना दौड़े आया हूँ क्या बताऊँ, पसीने चलने लगे रशिया जैसे कंट्री में, इसका मतलब दौड़ा काफ़ी दौड़ा हूँ मैं, तो चल के पहले बैठता हूँ कहीं पे। तो भाई मैं अपने गेट के पास आ गया हूँ दौड़े दौड़े, काफ़ी दौड़ना पड़ा बट गेट के पास पहुँच चुका हूँ, मेरे पीछे ये रहा गेट। आपको जब मैं कामछात्का पहुँच जाऊँगा तो वहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने फ़्लाइट कैसे बुक की थी, क्योंकि ये फ़्लाइट आई मैंने काफ़ी सस्ती में की थी। फ़्लाइट मैंने 22,000 रुपये में की थी, मुर्मंस से मॉस्को, मॉस्को से कामछात्का विद बैगेज। रशिया में भाई साहब बैगेज के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है भाई, बैग नहीं लेते कोई, हालांकि देखो ये बैग कैरी करूँगी उन्होंने लिया नहीं। रशिया के एयरलाइन में एरोफ्लाइट में उन्होंने कहा कि एक ही बैग लेंगे, दो बैग नहीं लेंगे, इनका भाई साहब रूल, इनका प्लेन, इनका रूल, जो रूल बनाए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। भाई साहब मुझे एक्चुअली विंडो सीट मिल गया और मुझे एक्चुअली काम करना था बट मैं काम नहीं कर पाऊँगा लगता है, मैं मुश्किल है भाई काम करना क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं आगे कुछ टेबल वगैरह नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा भाई मुझसे आज। अरे यार ये
मुझे लगा था अच्छी एक्चुअली अच्छी सीट है, अच्छा खासा लेग स्पेस वगैरह है, बट भाई साहब काम नहीं हो पाएगा क्योंकि देख लो आप कुछ है ही यहाँ पे, काम कैसे करो बताओ। ऐसा माहौल है यहाँ पे, काम करने वाला माहौल बन ही नहीं सकता है। एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी कि जहाँ पर मैं बैठ के काम कर सकूँ। तो भाई प्लेन निकले हुए ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया है, एक से डेढ़ घंटा। अभी खाने को मिला एक टाइम का चिकन और चावल खाया, और साथ में कुछ आइसक्रीम वगैरह था वो मिला, और साथ ही मैंने चाय वगैरह भी पिया और कुछ जूस भी मिला था। तो सर्विस ठीक ठाक है अभी तक एरोप्लेन की। आई थिंक मैं पहली बार एरोप्लेन पर सवार हो रहा हूँ, इससे पहले मैं एरोप्लेन पर अभी तक सवार भी नहीं हुआ था। यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा हूँ, खाना ख़त्म हो गया जस्ट अभी। और एक बात बता दूँ कि हमारा ऐसा टाइम जो है ना कि शाम के 5 बजे निकल रहे हैं और अगला दिन वहाँ के 11 बजे के आसपास पहुँचेंगे उस टाइम जोन में। ऐसा नहीं कि 11 बजे पहुंच रहे हैं, 11 बजे उस टाइम जोन में पहुंचेंगे। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, तो ऐसा होगा कि अभी सवेरे है, फिर अंधेरा होगा, फिर उजाला भी हो जाएगा इसी जर्नी के बीच में। सो जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ जाते जा रहे हैं, थोड़ा अंधेरा होते ही जाएगा क्योंकि ईस्ट की तरफ अंधेरा है और वेस्ट की तरफ उजाला होता है। तो वेस्ट की तरफ उजाला बाद में होता है और ईस्ट की तरफ उजाला पहले होता है। तो ईस्ट की तरफ अभी अंधेरा होते जाएगा और एक बार फिर पूरा अंधेरा हो जाएगा। हालांकि हम लोग काफ़ी नॉर्थ फ्लाई कर रहे हैं, तो इतना नॉर्थ फ्लाई कर रहे हैं कि अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ में अंधेरा होता ही नहीं है अभी, क्योंकि समर चल रहा है तो अभी अंधेरा होगा ही नहीं। क्योंकि हम लोग मैं भी मैप देख रहा था, हम लोग ऊपर, मुझे लगा यार नीचे जाएंगे, मतलब जिस तरह ट्रेन जाती है, लेकिन नहीं, वो तो ऊपर ही जा रहे हैं, मतलब ऊपर से निकाल रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, आइलैंड की तरफ वगैरह करके निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जो रेलवे वाली जर्नी है वो लेके जा रहे हैं, वो ग्लोब है ना, वो मैप ग्लोब के अनुसार चलती है प्लेन। मैं हमेशा मतलब कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ मैप्स में, क्योंकि मुझे लगता है मैप्स ये ईजी है, लेकिन नहीं, प्लेन ग्लोब के अनुसार चलती है और ईजी होता है प्लेन को। तो वही देख रहा था मैं, अभी तो फिलहाल सन काफ़ी उस तरफ चल गया, इसका मतलब आधे एक घंटे के बाद सन दिखना बंद हो जाएगा मेरे हिसाब से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है अभी, मैंने गलत साइड चूज कर लिया, इस साइड सन मेरे एक्टिविटी फेस पे आ रहा है, उस साइड शायद नहीं पड़ेगा। तो चलो अभी खाते हैं और आगे की जानकारी आपको बाद में देते हैं। भाई अपनी देखो आदत है कि जाना है तो सबसे लास्ट पैसेंजर ही होना है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा वेलकम टू कामछात का, कामछात का मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालांकि मेरा मास्क गिर रहा है, पता नहीं क्यों, इसको ऐसे कर लेता हूँ। कामछात का मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम टू कामछात का। और चलो चलते हैं नीचे, देखता हूँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ठंडी है थोड़ी थोड़ी इधर, थोड़ी सी ठंडी है। नो ओके भाई, कामछात्का का छोटा सा एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ अपने इस छोटे डिब्बे के साथ, लेकिन मेरे पीछे लिखा हुआ है वेलकम टू कामछात्का। कामछात्का में आपका स्वागत है। हालांकि इन्होंने चाइनीज में लिख रखा है, या तो कुछ जापानीज, पता नहीं, एक जापानीज एक चाइनीज लग रहा है, एक रशियन है, इंग्लिश है। तो वेलकम टू कामछात्का, कामछात्का में आपका स्वागत करता हूँ। हालांकि जा रहा हूँ बैगेज क्लेम एरिया में, आई थिंक मेरा बैगेज आ जाना चाहिए। भाई साहब अच्छी खासी भीड़ है मिला की बैगेज क्लेम एरिया में, बिना कुछ लोग को बिना बैगेज दिए निकल जा रहे हैं। चलो काफ़ी लंबी भीड़ है। हाँ अभी पता नहीं भाई कहाँ रहना है, हालांकि मेरा यहाँ पे इंटरनेट काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास बीलाइन का सिम कार्ड है जो कि अभी वाम काम कर रहा है। भाई मेरा बैग आ जाना, बस एक छोटा सा बैग है मेरा, बस कि दो बैग तो उन्होंने चेक इन करने दिया ही नहीं था। देखने दो एक बार कहीं पर है या नहीं, मिल जाए तो ठीक है। काफ़ी लंबी भीड़ हो गई भाई यहाँ पर। तो वेल तो गाइज बाहर आ गया हूँ अपना बैग लेके, काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट था ये भाई, बस स्टेशन जैसा दिखता है, छोटा सा एयरपोर्ट। एक्चुअली ये ना एयरपोर्ट था ही नहीं, ये हैंगर था, हैंगर जो होता जहाँ पे ना आप जब मैं आ रहा था, हालांकि मेरा जो सीट था वहाँ पे खिड़की था ही नहीं, दूसरे की खिड़की से मैं झाँक रहा था। तो जब मैं आ रहा था ना, तो वहाँ पे देख रहा था कि बहुत सारी प्लेन्स लगी हुई थी, मिसाइल मिलिट्री प्लेन्स लगी हुई थी। तो मिलिट्री का एक्चुअली स्टेशन था, उन्होंने उसको एयरपोर्ट बना दिया है। मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, चलो अब फटाफट मैंने टैक्सी बुक कर ली है, अब भी मैं निकलता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पे सब कुछ महंगा है भाई, बहुत महंगा है यहाँ पे। तो मैंने जो काउसर्फिंग रिक्वेस्ट कुछ यहाँ पे भेज रखी थी, बट किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। कोई बात नहीं, जाना पड़ेगा बिना काउसर्फिंग के ही, मतलब हॉस्टल में रहना पड़ेगा। एक हॉस्टल मिला है मुझे 1500 रुपये पर डे के हिसाब से, तो अभी 1500 के हिसाब से रह रहा हूँ। एक काइंड ऑफ कैप्सूल हॉस्टल है, तो वहीं पर जा रहा हूँ, रहूँगा। 1500 रुपये पर डे देना पड़ेगा। वेल तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, या 10वीं दानिया के लिए फिलहाल। और मैं टैक्सी लेके निकलता हूँ भाई। वीडियो ख़त्म करने वाला था, बट एक इंटरेस्टिंग बात लगी, सोचा मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे जो कार है भाई, राइट हैंड साइड चलाते हैं भाई साहब, राइट हैंड की साइड है,
लेकिन जो कार में जो जो ये है ना, ये इस तरफ दे रखा है भाई साहब ने, इट्स नॉट दिस साइड या जापान, जापान भाई साहब, ये जापान वाला कार यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बहुत दिक्कत नहीं चलाने है भाई, क्योंकि इधर चला रहे हो आप देख लो, इधर से कार आ रही है और भाई साहब का हैंडल उधर है, बताओ ऐसा कैसे काम चलेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरह की कार आपको बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं जापान के काफ़ी पास आ चुका हूँ, जापान के किलो उतना ही पास नहीं हूँ, दूरी काफ़ी जापान मेरे से, थोड़ा मैं ऊपर ही हूँ तो, लेकिन मुझे अच्छा आश्चर्य हुआ ये देख के कि ये इनके तरफ इस तरफ है, मुझे लगता है रशिया में भी और ये इस वाले पार्ट में भी और देखने को मिलेगा, हालांकि मॉस्को वगैरह मुझे कभी देखने को मिला नहीं था कि इस तरफ है।